पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 और 17 वचन में लिखा हुआ हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा तब जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत होगा, जो प्रधान होगा, तब उसको परमेश्वर आज्ञा देगा कि तुम जाओ जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ। जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बच्चे हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। करोड़ों लोग इस धरती पर से अचानक गायब हो जाएंगे, तुरही फूकते ही यह सब क्षण भर में होगा। किसी की माँ गायब हो जाएगी, किसी की बहन भाई माँ बाप अचानक सब गायब हो जाएंगे इस धरती के ऊपर से। जब अचानक करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे इस धरती पर हाहाकार मच जाएगा। उस समय किसी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे हम क्या करें और आगे क्या होने वाला है। तब एक मनुष्य उठेगा जो शैतान की तरफ से होगा, जो मसीह विरोधी होगा, जो पश होगा, जो शांति शांति करके बैठाएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। जो लोग यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ पर रह जाएंगे, उनके लिए उस समय कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही होगी, अभी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। याद रखना, जिस समय यीशु मसीह अपने लोगों को स्वर्ग में उठा ले जाएगा उस समय लोग एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। उस समय किसी की गर्दन काटी जाएगी, किसी का हाथ काटा जाएगा। उस समय लोग आपस में एक दूसरे को मारना गाड़ना शुरू कर देंगे। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, पाप करने में, व्यभिचार करने में अभी तो बड़ा मजा आ रहा है भैया। जब यीशु मसीह का आना निकट है तो वह मसीह पाप में गिरता चला जा रहा है। वह मसीह पाप करने से जरा भी हिचकिचाता नहीं है और बड़े आराम से पाप कर देता है। थोड़ा सा मजा और थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वह मसीह भूल जाता है कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, बहुत महंगा पड़ेगा नरक में जाना। वहाँ ना आग बुझेगी, वहाँ ना कीड़े मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा धोलोक में चली जाएगी, फिर आपकी आत्मा धोलोक से निकाल कर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, फिर उसका न्याय किया जाएगा और उसको उसी न्याय के आधार पर नरक में डाला जाएगा जिस शरीर में आपने व्यभिचार और गलत काम किया होगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा है, भैया मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ और हर एक मनुष्य का प्रतिफल मेरे पास है। जो आप पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर तब उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा। जो मसीह पाप करते हैं और कहते हैं मुझे किसी ने नहीं देखा है, आंख खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें 34:21-22 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले छिप सकें। अधर्मी हो चाहे धर्मी, सबको परमेश्वर देखता रहता है। परमेश्वर की नज़र से छिपकर आप पाप नहीं कर सकते हो। अगर आपके जीवन में पाप हैं गुप्त रीति से तो दुआ करना कि यीशु मसीह अभी ना आए, अभी सुधर जाओ, अभी समय है, वरना सारी हेगड़ी निकल जाएगी उस अनंत काल की आग में। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा अपने वचन में, आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा। पहले तो 7 साल के लिए आपको इसी पृथ्वी पर तड़पना पड़ेगा, फिर उसको उसी न्याय के आधार पर परमेश्वर उसको नरक में डाला जाएगा। जो लोग यहाँ रह जाएंगे वे 7 साल के लिए तड़पेंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ, प्रकाशित वाक्य 6:12-17 तक। और जब उसने छठवीं मर खोली,
किसने खोली? बोले तो यूहन्ना, क्योंकि सारी प्रकाशित हुआ कि यूहन्ना ने लिखी दर्शन के द्वारा। मैंने एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया और चंद्रमा पूरा लहू सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के कच्चे फल झड़ते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और हर एक टापू अपने स्थान से टल गया और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक स्वतंत्र दास पहाड़ों की चट्टानों में और कोह में जा छिपेंगे। जब छठवी मोर खोली जाएगी मसीह विरोधी के दिन में, जब छठवी मोर खोली जाएगी तब ये सब होगा और वे लोग क्या कहेंगे और पहाड़ और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, यानी यीशु मसीह का क्रोध से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन अब आ पहुंचा। कौन ठहर सकता है? जो पृथ्वी पर बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग मसीह विरोधी के दिन में कहेंगे, पहाड़ियों से कहेंगे हम पर गिरो, टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो, मगर टीलों और पहाड़ नहीं गिरेंगे। वे कहेंगे हमें यहोवा ने मना किया है, हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि उन लोगों का, अन्य जातियों के लोगों का भयानक दिन अब आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? इसलिए समय है, समय रहते हुए परमेश्वर के पास लौटाओ, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती किसी को नर्क में डालना नहीं चाहता है। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में मत पड़ो भैया, समय कम है, दिन बुरे हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो परमेश्वर ने आपको समय दिया, अवसर दिया है, इस अवसर का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, पूरा पूरा समय परमेश्वर को दीजिए, वरना आपको पता ही है आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। आशा करते छोटा सा संदेश आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।